नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और हम इस वक्त पहुंचे हैं उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर हरिप्रकाश जी के पास। वो हमें बताएंगे कि प्रयागराज कुंभ में क्या चल रहा है। प्रयागराज कुंभ भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय दर्शन शास्त्र को मानने वाले विभिन्न धारणाओं वाले संत महापुरुष और श्रद्धालु जनों का एक समूह। मेरे विचार में ऐसा संगठन, ऐसा समूह दुनिया भर में किसी भी एक स्थान पे नहीं देखने को मिलेगा। संसार का यदि सबसे विशालतम कोई मेला है तो वो है कुंभ मेला। और प्रयागराज में वही कुछ आज तक चल रहा है। यहाँ विभिन्न मत मतांतर हैं, पंथ हैं, लेकिन यहाँ ना पंथों का भेद है ना मत मतांतर का। सभी एक साथ ही संगम में डुबकी लगाते हैं। तो वो जो भेदभाव, जातीय भेदभाव और पंथों के भेदभाव, इस संगम स्थल पे आके मिट जाते हैं। धर्म और राजनीति की बहुत चर्चा हो रही है, प्रकाश जी आपका क्या कहना है? धर्म जीने की एक उच्चतम कला है। राजनीति सीमित दायरे में संकीर्ण पार्टी के स्वार्थ के लिए कभी धर्म से विचलित भी होती है। और वैसे देखा जाए तो धर्म कहते किसे हैं कि जो सहज धारण किया हुआ है वो धर्म है, लेकिन मैं धर्म को दूसरे रूप में लेना चाहूंगा। वो धर्म है व्यक्ति मात्र का, पैसा धर्म है कर्तव्य पालन का। जो व्यक्ति जिस संबंध में है, जो व्यक्ति जिस पोस्ट पे है, यदि वो कर्तव्य का पालन करता है, निसंदेह एक वर्ष में ही भारत की कायाकल्प हो जाए। दुर्भाग्य है कि आज हम कर्तव्यनिष्ठ नहीं। एक चपरासी है, एक अधिकारी है, एक कर्मचारी है, यदि वो अपना कर्तव्य पालन सही कर रहा है, एक पति है, एक पत्नी है, एक पिता है, एक बेटा है, यदि वो अपना कर्तव्य सही पालन कर रहे हैं तो निसंदेह सुख, शांति, समृद्धि सब अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी का कारण है हर व्यक्ति जो जिस पोस्ट पे है, जिस काम पे है, यदि कर्तव्यनिष्ठ होकर करेगा, वो देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा। एक विषय राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर चल रहा है। हाँ। और कई संत उस पर अपना मत भी दे चुके हैं कि वहाँ मंदिर का निर्माण तुरंत होना चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा विचार यह है कि राम मंदिर आस्था का विषय है और फिर जन्मभूमि का, जन्मभूमि किसी की बदली नहीं जा सकती। मंदिर तो कहीं भी बनाया जा सकता है, मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है, गिरजाघर कहीं बनाया जा सकता है, लेकिन किसी अवतार की, किसी महापुरुष की जन्मभूमि को आप बदल नहीं सकते। और वो मंदिर नहीं, वो तो राम जन्मभूमि का स्मारक है। उस स्मारक को हम मंदिर इसलिए बोलते हैं कि राम के प्रति जो आस्था है तो वो पूजा स्थल होगा, जहाँ पूजा स्थल है वही तो मंदिर। तो ये थे महामंडलेश्वर हरिप्रकाश जी, जो कि पिछले 6 दशक से लगातार संन्यास जीवन जी रहे हैं और 1962 से हर कुंभ को उन्होंने देखा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।